वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो वॉचस 10.5 का जो आरसी का अपडेट है गाइस, वो ऑलरेडी यहाँ पर कल जो रात को है वो आ चुका था, लेकिन आज और एक वॉचस 10.5 का आरसी अपडेट आया है जिसको आप कह सकते हो RC 2। एंड यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा अपडेट दिखाऊँ तो गाइस, ये जो था अपडेट, ये पहला अपडेट था। यहाँ पर आप देख सकते इसका जो साइज है गाइस, वो क्लोज टू 450 MB के आसपास था। एंड यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जो जो इंक्लूड जो फीचर्स है नए जो आपके यहाँ पर जो भी दिया है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया था एंड इसके रिलेटेड में डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। लेकिन आज ही यहाँ पर और एक अपडेट आया है जो कि यहाँ पर एज आई सेड RC 2 के नाम पे। एंड इसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो 450 MB का साइज था वो थोड़ा सा इस बार जो छोटा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 MB के आसपास आपको देखने मिलता है। साथ ही में दोनों में एक चीज़ आप कॉमन देखिए कि दोनों का जो फीचर्स है, दोनों का जो लिखा हुआ है यहाँ पर चीज़ है, वो सेम टू सेम है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि वॉचस 10.5 इंक्लूड न्यू फीचर्स, इंप्रूवमेंट बग फिक्सेस एट द सेम टाइम। और जो यहाँ पर एक नया वॉलपेपर आया है, यहाँ पर प्राइड रेडियंस वॉच जो कि रिप्रेजेंट करता है LGBTQ कम्युनिटी एंड कल्चर को, इसको छोड़ के दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में सिमिलर फीचर है। इसको छोड़ के कोई भी दूसरा कोई भी फीचर्स के बारे में स्पेसिफिक पिन पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। मुझे तो पहले ये डाउट हुआ कि ये जो अपडेट है यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक RC का अपडेट जो है यहाँ पर आपको एप्पल वॉच के लिए आ चुका था, लेकिन एज आई सेड कि यहाँ पर RC 2 का भी अपडेट अभी आया है। सो मैंने इसको इंस्टॉल किया एंड देखा कि कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक फीचर या फिर स्पेसिफिक कुछ क्या यहाँ पर नया चीज़ या फिर नया यहाँ पर जो आपका फीचर से क्या इंक्लूड हुआ है नहीं। एंड रियली गाइस, यहाँ पर मैं बहुत सैड हूँ कि इवन आफ्टर RC 2, एंड आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि किसी भी वॉचस 10.5 जो भी यहाँ पर वॉचस वर्जन आता है उसमें किसी RC 2 यहाँ पर अपडेट आया। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद होपफुली कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर जो भी हम इंडियंस के लिए। बाकी यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल वॉच को जो पे है एप्पल वॉच का उसको लेके, लेकिन ऐसा इंडियंस के लिए कोई भी यहाँ पर जो फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम द न्यू वॉलपेपर उसको दिया नहीं गया था। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी दी यहाँ पर RC 2, लेकिन आई एम वेरी सैड कि यहाँ पर RC 2 में भी कोई भी यहाँ पर फीचर जो स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव यहाँ पर कोई भी मिलता नहीं है। होपफुली यहाँ पर जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो उसमें शायद देखने मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर एनरोल फॉर द बीटा प्रोग्राम फॉर योर एप्पल वॉच OS 10.5, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दिस अपडेट। हो सकता है कि आपको अभी यहाँ पर वॉच में, एप्पल वॉच में अभी ये जो RC 2 का अपडेट है अभी तक ना दिखे, क्योंकि यहाँ पर रीजन वाइज थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंड करता है टाइम एंड यहाँ पर डेट, लेकिन मेरे एप्पल वॉच के लिए आ गया था। सो आई अपडेटेड दिस RC अपडेट। नाउ स्पीकिंग यहाँ पर द परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा बैटरी लाइफ को लेकर। तो बैटरी यहाँ पर एज आई सेड कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक RC 1 का जो अपडेट आया था वॉचस 10.5 में उसको लेकर वीडियो बनाया था, एंड उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो यहाँ पर बैटरी सेक्शन है, बैटरी लाइफ है गाइस, वो बहुत अच्छा है। एंड अगेन आई वांट टू शो यू कि इवन आफ्टर दी अपडेट ऑफ यहाँ पर RC 2, अभी भी यहाँ पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर 100% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो 95% है, इसलिए क्योंकि विदाउट चार्ज यहाँ पर जो एप्पल वॉच का जो भी अपडेट आप आते हैं इंस्टॉल करते हो वो नहीं होते, इसलिए मुझे यहाँ पर ड्यूरिंग चार्ज इसको इंस्टॉल करना पड़ा है, इसलिए यहाँ पर 95% अभी यहाँ पर देख सकते हैं। जब 7 मिनट पहले इसको मैंने फुल चार्ज किया था और क्लोज 95%, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेकिन बैटरी वाइज, बैटरी बैकअप वाइज बहुत है सही है, एंड इवन विद दी RC 2 मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर बैटरी जो लाइफ है वाइज अच्छा होगा। नाउ स्पीकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, तो लुक एज आई एम सेइंग इन ईच एंड एवरी वीडियो, परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट फॉर वॉच पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सही है, एंड इवन विद दी RC 2 एंड ऑब्वियसली RC 1, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है आफ्टर इंस्टॉलमेंट ऑफ 10.5 बहुत ही सही है। आप जो भी यहाँ पर काम करते हो बहुत ही फ्लॉलेसली चलता है, किसी भी तरीके का जो भी यहाँ पर स्टटरनेस या फिर लैगी जो फील होता है वो कभी भी ऐसा नहीं है, आपको एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पर ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग, यहाँ पर मैं अगर आप कोई भी ऐप क्लोज करके दिखाऊँ या फिर ओपन करके दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेदर तो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड वेदर में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लेआउट का यहाँ पर या फिर जो ग्राफिक्स का मुझे थोड़ा सा लगा है कि मे बी इट इज़ डिफरेंट देन द प्रीवियस, लेकिन आई मे बी मिस्टेक, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा फील हो, मैं इसलिए आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर चेंजेस वाइज ऐसा कुछ नहीं है। होपफुली यहाँ पर कुछ अगर नया फीचर्स देखने मिलता है तो होपफुली यहाँ पर जो ऑफिशियल डेट आएगा शायद उसमें देखने मिलेगा। नाउ स्पीकिंग अबाउट द ऑफिशियल डेट, तो लुक टुडे गाइस 9th of May, एंड आई बिलीव कि यहाँ पर बिफोर द सेकंड वीक ऑफ मे में यहाँ पर ऑफिशियल जो रिलीज होगा यहाँ पर वॉचस 10.5 में, शायद उसको आपको देखने मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड RC 2 ऑफ वॉचस 10.5 इन योर एप्पल वॉच। अगर आप बीटा प्रोग्राम के एनरोल किए हो तो होपफुली ये जो अपडेट है आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस वॉज इट, आई होप ये वीडियो जो पसंद आया, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैंने यहाँ पर जो iOS 10.5 का जो RC अपडेट है उसको लेके वीडियो बनाया, तो यू कैन चेक ऑल दिस वीडियो। सो टिल देन लाइक द वीडियो, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो, तो मैं मिलता हूँ, गुड बाय एंड स्टे सेफ।